नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। अब देख लेते हैं अब तक की खबर। राष्ट्रपति चुनाव से पहले आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और एनसीपी प्रमुख शरद पवार के बीच मुलाकात हुई। शरद पवार ने बैठक का फोटो ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। पवार ने कहा कि दिल्ली स्थित अपने आवास पर उन्होंने ममता बनर्जी से मुलाकात की है। दोनों नेताओं ने देश से जुड़े कई मुद्दों पर विस्तार से बात की है। राष्ट्रपति चुनाव से पहले विपक्ष के उम्मीदवार को लेकर हलचल तेज है। इस बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार के विपक्ष के सर्वसम्मति से उम्मीदवार होने की अटकलों को लेकर उनकी पार्टी ने कहा है कि पवार इस पर तभी फैसला लेंगे जब विपक्षी दलों के पास जीत के लिए संख्या होगी। ममता बनर्जी से मुलाकात के बाद ये टिप्पणी आई है। मुंबई में एनसीपी के वरिष्ठ नेता छगन भुजबल ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि अगर पवार साहब भारत के राष्ट्रपति बनते हैं तो हर मराठी व्यक्ति का सीना गर्व से फूल जाएगा, लेकिन सवाल ये है कि क्या हमारे पास आवश्यक संख्याएं हैं। वहीं इस बीच पवार ने दिल्ली में लेफ्ट नेता सीताराम येचुरी और सीपीएम और सीपीआई के प्रमुख डी राजा से भी मुलाकात की। मुलाकात के बाद राजा ने कहा कि शरद पवार उम्मीदवार बनने के विचार से उत्साहित नहीं थे। हमारी समझ यह है कि वो इच्छुक नहीं हैं। उन्होंने कहा कि उनकी कई राजनीतिक प्रतिबद्धताएँ हैं। राष्ट्रपति चुनाव से पहले ममता बनर्जी ने 15 जून को दिल्ली में विपक्षी नेताओं की बैठक बुलाई है। बैठक में हिस्सा लेने को लेकर सीपीएम और सीपीआई के प्रमुख डी राजा ने कहा कि लेफ्ट पार्टियां ममता बनर्जी के द्वारा बुलाई गई बैठक में शामिल होंगी। बता दें, लेफ्ट और टीएमसी बंगाल में एक दूसरे के धुर विरोधी हैं, लेकिन डी राजा ने कहा कि हम विपक्षी दलों की एकता के इच्छुक हैं, इसलिए हम जाएंगे। राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी की ओर से बुलाई गई बैठक में कांग्रेस के नेता भी शामिल होंगे। ममता बनर्जी ने विपक्षी दलों को पत्र लिखकर राष्ट्रपति चुनाव के संबंध में 15 जून को दिल्ली में बुलाई गई बैठक में आने की अपील की थी। कांग्रेस की ओर से वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, जयराम रमेश और रणदीप सुरजेवाला बैठक में शामिल होंगे। विपक्ष के सामने सबसे बड़ी चुनौती साझा उम्मीदवार उतारने की है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को राष्ट्रपति चुनाव के लिए सभी विपक्षी दलों के बीच आम सहमति बनाने के लिए बातचीत की जिम्मेदारी दी है। सोनिया गांधी इस संबंध में डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन, एनसीपी के मुखिया शरद पवार, सीपीएम के नेता सीताराम येचुरी से भी बात कर चुकी हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अब 10 लाख खाली पदों को भरने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट कर बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने सभी विभागों और मंत्रालयों में मानव संसाधन की समीक्षा की और अगले 1.5 साल में मिशन के तहत 10 लाख लोगों को नियुक्त करने का आदेश दिया है। पीएम मोदी की इस घोषणा पर बेरोजगारी और रिक्त पदों को लेकर लगातार बोलने वाले बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने धन्यवाद दिया। वरुण ने ट्वीट कर कहा कि बेरोजगार युवाओं की पीड़ा एवं मर्म समझने के लिए धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। नए रोजगार का सृजन करने के साथ हमें 1 करोड़ से अधिक स्वीकृत परंतु रिक्त पदों को भरने हेतु सार्थक प्रयास करना होगा। हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार देने का संकल्प पूरा करने के लिए और तेज गति से कदम बढ़ाने होंगे। पीएम द्वारा अगले 1.5 साल में 10 लाख नौकरियां देने की घोषणा को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार को निशाने पर लिया। राहुल ने ट्वीट कर कहा कि जैसे 8 साल पहले युवाओं को हर साल 2 करोड़ नौकरियों का झांसा दिया था, वैसे ही अब 10 लाख सरकारी नौकरियों की बारी है। ये जुमलों को नहीं महाजुमलों की सरकार है। प्रधानमंत्री जी नौकरियां बनाने में नहीं नौकरियों पर न्यूज़ बनाने में एक्सपर्ट हैं। जांच एजेंसी ईडी के द्वारा नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से पूछताछ जारी है। मंगलवार को पहली बार में 4 घंटे से ज़्यादा वक्त तक हुई पूछताछ के बाद राहुल गांधी लंच के लिए अपने घर लौटे। लंच के बाद वो फिर ईडी के दफ्तर पहुँचे जहाँ जाँच एजेंसी के अफसर उनसे पूछताछ कर रहे हैं। मंगलवार सुबह बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता कांग्रेस मुख्यालय के बाहर जुटे और उन्होंने जाँच एजेंसी के दफ्तर तक पहुँचने की कोशिश की। प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में भी लिया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की ईडी के सामने पेशी को लेकर पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में एक बार फिर जोरदार प्रदर्शन किया है। दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं को मंगलवार को भी हिरासत में ले लिया। इन नेताओं में केसी वेणुगोपाल, भूपेश बघेल, हरीश रावत, अधीर रंजन चौधरी, गौरव गोगोई, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, रंजीत रंजन, इमरान प्रताप गढ़ी आदि शामिल हैं। इससे पहले राहुल गांधी ईडी के दफ्तर पहुंचे। राहुल के साथ ईडी के दफ्तर तक कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा सहित तमाम नेता आए। जोश से भरे हुए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं के हुजूम को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने ईडी के दफ्तर के आसपास धारा 144 लागू कर दी। ईडी के दफ्तर के बाहर भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच जबरदस्त झड़प हुई। बिहार में बीजेपी के साथ मिलकर सरकार चला रही जेडीयू ने मंगलवार को अपने नेताओं पर बड़ी कार्रवाई की है। जेडीयू ने पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर अजय आलोक सहित प्रदेश महासचिव अनिल कुमार, विपिन कुमार यादव को भी पद से हटा दिया है। इन नेताओं को पद से हटाए जाने का ऐलान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने किया है। डॉक्टर अजय आलोक तमाम टीवी चैनलों पर पार्टी का पक्ष रखते थे और पार्टी के चिरपरिचित चेहरों में से एक थे। जेडीयू में बीते कुछ दिनों में हुआ ये एक और अहम घटनाक्रम है।
पार्टी की इस कार्रवाई पर डॉक्टर अजय आलोक ने उन्हें मुक्त करने के लिए धन्यवाद दिया है। कुछ दिन पहले ही जेडीयू ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद करीबी रहे केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह को राज्यसभा का उम्मीदवार भी नहीं बनाया। अब आरसीपी सिंह को केंद्रीय मंत्री बने रहने के लिए लोकसभा या राज्यसभा में से किसी एक सदन का सदस्य बनना होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस गोविंद माथुर के बाद सुप्रीम कोर्ट के 3 पूर्व जजों ने बुलडोजर से लोगों के घर गिराने की कार्रवाई को खारिज कर दिया है। इन 3 पूर्व जजों के अलावा 9 जाने माने कानूनी विशेषज्ञों और एक्टिविस्टों ने इस कार्रवाई को कानून का मजाक बताया है। इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र लिखकर इस मामले में दखल देने की मांग की है। प्रयागराज में जेएनयू की छात्र नेता आफरीन फातिमा की मां परवीन फातिमा का घर गिराने के बाद देश भर में तमाम हस्तियों की तीखी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट के 3 पूर्व जजों और 9 प्रमुख लोगों ने चीफ जस्टिस को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि वो मुस्लिम नागरिकों के खिलाफ राज्य के अधिकारियों द्वारा जिस तरह हिंसा और दमन का रास्ता अपनाया जा रहा है उस पर दखल दें। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारियों के घरों को तोड़ा जाना नामंजूर है, देश में कानून का शासन है, सुप्रीम कोर्ट से खुद संज्ञान लेने का अनुरोध किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के इन पूर्व जजों में बी सुदर्शन रेड्डी, वी गोपाल गौड़ा और एके गांगुली के अलावा हाईकोर्ट के 3 पूर्व जजों और 6 वकीलों के हस्ताक्षर हैं। ये पत्र 14 जून को लिखा गया है। पिछले महीने मई में थोक भाव पर आधारित महंगाई दर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक मई में थोक महंगाई दर 15.88% पर पहुंच गई है, जो कि अप्रैल महीने में 15.08% थी। थोक भाव पर आधारित महंगाई दर लगातार 14वें महीने दोहरे अंक में रही है। पिछले साल अप्रैल में ये 10.74% पर था और उसके बाद से ये लगातार दोहरे अंक में है। केंद्र सरकार ने मंगलवार को रक्षा बलों के लिए अग्निपथ भर्ती योजना की घोषणा की। इसके तहत सैनिकों को अब सिर्फ 4 साल के लिए भर्ती किया जाएगा। इसे ज्वाइन करने वाले 25% युवाओं को बाद में रिटेन किया जाएगा, यानी कि आगे भी नौकरी पर रखा जाएगा। यानी 100 में से 25 लोगों को ही पूर्णकालिक सेवा का मौका मिलेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इस योजना से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और देश की सुरक्षा मजबूत होगी। इस दौरान नेवी चीफ एडमिरल आर हरि कुमार ने कहा कि इस योजना के तहत 4 साल के लिए करीब 45,000 युवाओं को भर्ती किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सेना के अग्निवीरों में महिलाएं भी शामिल होंगी। अग्निपथ के तहत भर्ती किए गए युवाओं को आगे रिटेन होने के लिए 6 महीने की ट्रेनिंग करनी होगी। इनका वेतन 40,000 रुपये के करीब होगा। अगले 90 दिनों यानी कि 3 महीने के अंदर अग्निपथ योजना के तहत भर्तियां शुरू की जाएंगी। नए अग्निवीरों की उम्र 17.5 साल से 21 साल के बीच होगी। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में पंजाब पुलिस ने तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का रिमांड मांगा है। इस हत्याकांड में मिले अहम सुराग को लेकर पंजाब पुलिस भी लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ करना चाहती है। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने बिश्नोई से पूछताछ की थी। उसके बाद दिल्ली पुलिस ने कहा था कि लॉरेंस ही इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड है। समझा जाता है कि दिल्ली की अदालत उसे ट्रांजिट रिमांड पर पंजाब पुलिस को सौंपने का आदेश दे सकती है। इस बीच पंजाब पुलिस ने इस हत्याकांड के सिलसिले में हरियाणा के सिरसा से 2 लोगों को पकड़ा है। हरियाणा से अब तक 3 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। लॉरेंस बिश्नोई को मंगलवार को जब पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया तो पंजाब पुलिस ने उसका ट्रांजिट रिमांड मांगा। इस पर बिश्नोई के वकील विशाल चोपड़ा ने सुरक्षा कारण बताते हुए ट्रांजिट रिमांड देने का विरोध किया। बिश्नोई के वकील ने आशंका जताई कि पंजाब पुलिस उसका एनकाउंटर कर सकती है। बिश्नोई के वकील ने सलाह दी कि पंजाब पुलिस वर्चुअल पूछताछ करे, उस पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि वो इस पर बाद में अपना फैसला सुनाएंगे। स्टार इंडिया ने आईपीएल के लिए अगले 5 साल के लिए टीवी राइट्स पर अपना कब्जा जमा लिया है। इससे पहले टीवी चैनल किसने खरीदे हैं इसको लेकर अलग अलग रिपोर्ट्स थी, लेकिन अब बीसीसीआई सचिव जय शाह ने ट्विटर पर इस खबर की पुष्टि की है। जय शाह ने कहा कि मैं ये घोषणा करते हुए रोमांचित हूं कि स्टार इंडिया ने 23,575 करोड़ रुपये की बोली के साथ टीवी पर आईपीएल के प्रसारण के अधिकार जीत लिए हैं। हालांकि इस बार उससे डिजिटल अधिकार छिन गए हैं और यहां वाईकॉम 18 ने बाजी मार ली है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रह सकते हैं आप सत्य हिंदी.com। नमस्कार।